वापसी के बारे में, ये उनके वो तस्नीम हैदर बिल्कुल झूठ बोलता होगा, पर उसने एक बयान रिकॉर्ड पे दिया, वो दस्तावेजी बयान दिया। ये जो आप बोल जाते हैं ना टीवी पे, मैं बोल रहा हूँ ये एक दस्तावेज है, ये एविडेंस में पेश हो सकता है, ये एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। तो वो एक डॉक्यूमेंटेड लंदन में खड़े होके एक बंदा कहता है मेरे साथ ये इन्होंने साजिश की। अब पाकिस्तान में भी क्या होता, पाकिस्तान में किसी ने कहा कि मेरे तो कोई कोई नहीं है, असासे ही कोई नहीं है, ना पाकिस्तान में ना बाहर, उसी को उसका कह दिया। वहाँ सीरियसली लेते हैं, कंस्पिरेसी टू मर्डर बड़ा सीरियस जुर्म है, और अगर पीटीआई ने भी चलाना चाहे उसको दबा के रखना चाह, या कोई भी, या लंदन की पुलिस खुद स्कॉटन या मियां साहब से इस बारे में बड़ी सीरियस सवालात करेंगे। ये और बात है कि तस्नीम हैदर बाद में इस बात की सजा हो जाए कि झूठ बोला है, और मुझे भी लगता है कि चार मरतबा का वजीर आजम ये शहबाज शरीफ तो उसकी प्रॉक्सी है ना, नवाज शरीफ है, चार मरतबा का वजीर आजम इतनी ढीली बात करेगा यकीन नहीं आता। पर वो वीडियो आपके सामने, तो ये बाकी अरशद शरीफ के बारे में मैं तो अभी तक तो पहले सोचता था, पर ये साफियों ने जिंदा उसके केस को रखा हुआ है, मैं तो सोचता था आप इधर आपको याद है और याद दिलाऊं, वो बच्चे साहिवाल की जिनके माँ बाप को शूट कर दिया गया और वो बच्चियों को पुलिस लिए फिर रही है, कातल लिए फिर रहे हैं, और छोटी छोटी बच्चियां पुलिस की बहन में बिठा रहे हैं। हम सब भूल गए उसको, हम सब भूल गए उसको, अरशद शरीफ को ना भूलने देना, ये आपके साफियों की जिम्मेदारी। पुलिस अगर मुद्दई बन जाए तो ये तो हर केस में पुलिस कहेगी कि जी मैं हमारा इंस्पेक्टर जो है, सब इंस्पेक्टर जो है ये मुद्दई है, फिर वो ही सेटल भी कर सकते हैं, मुद्दई सेटल कर सकते, वो ही उस मामले को रफा दफा भी कर सकते हैं। तो ये तो वारस है इनका या उसकी पार्टी का कोई आदमी है, नामालूम अफरा नामालूम मुजरिम के खिलाफ उस वक्त केस होता है जिसका कोई आपको पुलिस को लाश मिल जाए सड़क के किनारे पड़ी हुई, खेतों में पड़ी हुई, तो उसमें नामालूम मुद्दयत पुलिस की हो सकती है। तो पुलिस की इस तरह ही मुद्दयत हो सकती है, एक आदमी की बेटी अगवा हो जाए, छोटी बेटी 7 साल की, वो उस तगड़ा में और पुलिस कह रही है हमारी मुद्दयत में होगा, और हमारी मुद्दयत में जब होगा तो फिर सेटल भी हम ही करेंगे, फिर हम ही फैसला करेंगे। ये बिल्कुल गलत है पुलिस की मुद्दयत। दूसरी बात, वजीराबाद का वाकया है, वजीराबाद थाने इलाके और केस जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत रजिस्टर किया है वो वफाकी हुकूमत ने थाना रमना थाना इस्लामाबाद। अब रमना थाना के साथ उसका क्या ताल्लुक है, ये सिर्फ अपने पास लाने के लिए ये किया। तीसरी बात ये मैं अर्ज कर दूं कि जो अरशद सईद का कत्ल और शहादत है ये एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, यूं नहीं हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसका कीनिया में क्या कौन दुश्मन था, कीनिया में तो कोई दुश्मन नहीं है, कीनिया की पुलिस इस पर शामिल है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसी ने पैसे लगाए हैं, पैसे दिए कि उसको मार रहा है, उसका पीछा कर रहा है और उसको मार रहा है, और वेपन भी जिस तरह इस्तेमाल हुए और जो उसको यहाँ एक मारी गई है, फिर जो उसकी उंगलियाँ तोड़ी गई, फिर जिस वजह से
ये महसूस होता है कि जो करवाने वाला था उसको इतना गुस्सा था, उसने इतना गुस्सा, इतना इंतकाम हो जाता था कि उसने कहा कि ये मैं इसकी हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ के और कहा होगा फिल्म बना के लानी उसको जो अजियत पहुँचाई। अब वो फिल्म बना के वो फिल्म ही होगी, वैसे तो किसी वक्त मिल जाएगी कातिलों के सराग के लिए। पांचवी बात ये है कि इसमें एक चीज क्लियर होगी, पुलिस उस रकम में और उस पेमेंट में कीनिया की पुलिस शामिल है, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया, उन्होंने पहले कह दिया कि हमारी गोलियों से मारी, तो वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। तो इसमें पेचीदगियां कोई इतनी, ये ज्यादा देर नहीं लेगा हाल होने में। और ये इंटरनेशनल लेवल का केस है, लंदन, दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, ये चार रियासतें तकरीबन से हम इन्वॉल्व हैं। और लोग जो मारने और मनसूबाबंदी करने वाले हैं वो उनका अगर तो अरशद सईद का लैपटॉप और टेलीफोन सेल फोन मिल गया होता तो ये 8 दिन में इसका सुराग लगाया जा सके। मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि उस पर हमला जो 23 दिसंबर 2003 में हुआ झंडा चीजी ब्रिज पे, वो उसमें जो शवायद थे और जो मुल्जमान थे वो कंप्यूटर चिप से, ये जो चिप लगा हुआ होता है फोन में, उससे वो करता था। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या इस तो सब इसी से आगे राना सलाउल्लाह ने अजीब गरीब बयानात दिए साथ में, जैसे ही पहले दिन जबकि हकायक का मालूम ही नहीं था हकायक के मतलब कि हुआ क्या है, तब ये पता था कि वो शहीद हो गए, उन्होंने अजीब गरीब इल्जाम लगाए मुख्तलिफ लोगों पे, फिर दूसरी तरफ से भी दूसरे लोगों पे मुख्तलिफ लोगों पे इल्ज़ाम लगाए। आपके ख्याल में, आपकी मायराना राय में कौन हो सकता है जो कि इन शवायद के मुताबिक आप ये समझते हैं कि क्या राना सलाउल्लाह के बयानात किस तनाजु में आप देखते हैं और जो दूसरे इल्जाम लगाए जाते हैं उनको किस तरह? मैं तो ये समझता हूँ कि राना सलाउल्लाह किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले जब मोटिव देखा जाए, मोटिव क्या है, राना सलाउल्लाह एक्सप्लेन करें, खुद एक्सप्लेन करें कि उसने 18 FIR को करा दिया और इस्लामाबाद के इलाके में उस पर 18 FIR, मेरे खिलाफ 18 FIR हों तो मैं भी किन मुल्क से बात करूँ, 18 FIR। और फिर एक ये रस्म चल पड़ी है, ये मैं साथ हिंदी तौर पर रखता हूँ, ये रीत चल पड़ी है। मैं ये बयान दे रहा हूँ आपको, ये बयान खुदा ना खास्ता किसी की मुसलमान की दिल आजारी होती है, वो मेरे खिलाफ पर्चा करा देता है कि इसने लाहौर में इस थाने में जहाँ मैं ये बयान देता हूँ ये इसका इख्तियार समाप्त बनता, वो दे देता है कि इसको